प्यारे बच्चों, वेलकम टू अलेक्स सर। और आज हम लोग बात करेंगे रिकर्शन के एक और क्वेश्चन के बारे में जो कि बोर्ड पे दे रखा है। द क्वेश्चन सेज कि एक रिकर्सिव फंक्शन है जिसका कि नाम है क्विज, और एक इनपुट में हमें नंबर मिल रहा है, ठीक है ना। हम प्यारे बच्चों पहले से इस बात को जानते हैं कि ये जो मेरा मॉडुलस ऑपरेटर है और डिविजन ऑपरेटर है क्या करता है, राइट। ये मैं कई दफ़ा अपने वीडियोज में बता चुका हूँ, मॉडुलस ऑपरेटर मुझे रिमाइंडर देता है और डिविजन ऑपरेटर मुझे क्वेश्चन देता है, ठीक है ना। जरा इसको देखता हूँ एक दफ़ा, इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इस पर काम करा जा सकता है। एंड मॉडुलस टू का मतलब है कि टू से डिवाइड करने पर हमें क्या रिमाइंडर आ रहा है। एक बात और है इस प्रोग्राम की बारीकी में कि यहाँ पे माइनस माइनस एन मॉडुलस टू दे रखा है, राइट। तो जो भी हमें काम करना है, जैसे मिसाल के तौर पे हमें यहाँ पे मॉडुलस निकालना है और मॉडुलस के साथ साथ हमें पहले यहाँ पे माइनस माइनस भी करना है, तो हमारे पास दो दो काम है, एक तो ये है और एक ये है, राइट। हमारे पास दो दो चीज़ें हैं करने को, हमें मॉडुलस भी निकालना है, हमें इसको माइनस वन भी करना है, डिक्रीमेंट भी करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, क्योंकि वो प्री डिक्रीमेंटर है, प्री में दे रखा है, पोस्ट में नहीं दे रखा है, तो पहले हम वो काम करेंगे, ठीक है। तो पहले हम माइनस माइनस कर देंगे और फिर मॉडुलस टू करेंगे, राइट। और उसके बाद फिर रिटर्निंग वगैरह का काम करना जाएगा। अभी फिलहाल में हम मान लेते हैं कि n की वैल्यू जो हमारे पास प्यारे बच्चों इनपुट आई है वो है 36922, राइट। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको हमें एग्जीक्यूट करना है, और तब तक इसका ग्रेस क्राइटेरिया क्या दे रखा है, इसके अंदर कंडीशन क्या दे रखी है कि जब तक लेस देन इक्वल टू वन नहीं हो जाता, राइट, या वन नहीं पहुंच जाता, तब तक हम लोग ये रिटर्न करवाते रहेंगे, रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करते रहेंगे। मतलब क्या कहने का मतलब है इसका कि अगर मैंने कॉल किया क्विज को, अगर मैंने क्विज को कॉल किया विद द वैल्यू 36922 ये वैल्यू के साथ, ये मेरा n है, तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये n की वैल्यू 1 नहीं हो जाती, राइट। अब ये पहली बार में तो 1 है नहीं, तो ये नीचे जाएगा, और ये क्या करने वाला है प्यारे बच्चों, पहले माइनस माइनस n करके मॉडुलस 2 निकालने वाला, राइट। माइनस माइनस n का क्या मतलब है करने का, कि ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी 36921, राइट। और इसका हम मॉडुलस 2 करके देखेंगे, राइट। अब मॉडुलस 2 का मतलब क्या है, अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में प्यारे बच्चों या तो 0 आएगा या तो फिर 1 आएगा, ये दो वैल्यूज आ सकते हैं, राइट। अगर 0 आ रहा है यानी कि इट इज डिविजिबल बाई 2, और अगर 1 आ रहा है तो यानी कि इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। 0 आ रहा है माने इवन नंबर, और 1 आ रहा है माने ऑड नंबर। अभी इसको देख के क्या पता चल रहा है, ये क्या है, किस तरीके का नंबर है, ये हमारा ऑड नंबर है, तो मॉडुलस 2 करने पे हमें 1 ही देने वाला, राइट। ये वैल्यू प्यारे बच्चों हमें क्या मिलने वाला है, इस वैल्यू के अंदर 1 मिलने वाला, राइट, ठीक है। और हमें इसको ऐड कर देना है किससे, वापस हमने देखिए आप रिकर्सिव फंक्शन को फिर से कॉल करवा लिया गया क्विज। अब ध्यान दीजिए कि हम जब डिवाइड करते हैं तो एक वैल्यू कम हो जाती है, जैसे कि जैसे हमने 36922 डिविजन बाय 10, ये मैं कई दफ़ा पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो एक डिजिट आखिरी का छूट जाता है, तो क्वेश्चन विल बी 36920 एंड रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 2 हियर, एंड हियर वी गेट दिस इज n डिवाइडेड बाय 10, दिस इज n मॉडुलस 10, सो वी गेट हियर 3692। अगर आप नोटिस करें तो जैसे ही 10 से डिवाइड करते हैं, n बाय 10 करते हैं, तो एक डिजिट कम हो जाता है। अब मैं इसको फिर से करूँगा, अगर 3692 को फिर से डिवाइड करूंगा 10 से, तो आई गेट हियर 3690। ये बेसिक मैथमेटिक्स का फंडा है बच्चों, और ये धीमे धीमे 36 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, एंड इवेंचुअली 0 हो जाएगा, राइट। अब हम इसको यहाँ पे रन करेंगे, तो अगेन इट विल कम बैक विद दिस वैल्यू हियर। अब की बार जो एन की वैल्यू है 3692 है, ये ऊपर जा चुका है घूम के, जब ये अब की बार अंदर जाएगा, अभी भी 1 नहीं हुआ है, 3692 इज व्हाट इज द फोर डिजिट नंबर। अब फिर से ये जाएगा माइनस माइनस एन करेगा, तो ये हो जाएगा 3691, ओके। और इसको मॉडुलस 2 जो प्यारे बच्चों हम करेंगे, अगेन 3691 इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर है, यानी कि फिर से 1 हमें वैल्यू रिटर्न करेगा, और फिर से कोई इसको कॉल करा देगा साथ के साथ 369 के साथ, राइट। फिर से कॉल होगा, 369 में से एक कम करेंगे तो 368 आ जाएगा प्यारे बच्चों, मॉडुलस 2 करके देखेंगे, हमारे पास ये इवन नंबर है 368, तो विल गेट अ 0 हियर, राइट। एंड देन अगेन क्विज विल बी कॉल्ड विद द वैल्यू ऑफ 36, और ये ऐसे चलता रहेगा, राइट। नाउ इट्स गोइंग टू बी 35 दिस टाइम, मॉडुलस 2 करके देखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये अगेन ऑड है, हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 1 मिल जाएगी, राइट, प्लस
क्विज ऑफ थ्री आई गेट हियर। अभी भी लेस देन इक्वल टू वन तो नहीं हुआ है, अभी भी सिंगल डिजिट नंबर है, बट फिर भी वन से बड़ा है। अगेन इट विल बी कॉल्ड, माइनस माइनस करेंगे तो ये टू हो जाएगा, टू मॉडुलस टू विल गेट अस जीरो, एंड देन अगेन इट विल बी कॉल्ड क्विज एट जीरो, राइट। जब हम थ्री को प्यारे बच्चों टेन से डिवाइड करेंगे, टेन जीरो से जीरो, थ्री रिमाइंडर आएगा, जीरो पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, बट इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर विल ऑलवेज इन इंटीजर ओनली, राइट। तो हम डेसिमल को कंसिडर नहीं करते हैं इस केस में। सो व्हाट विल हैपन हियर इज कि यहाँ पे आके अब ये लेस देन इक्वल टू वन हो गया है, तो यहाँ पे आके ये हमें एन ही रिटर्न कर देगा, एन की वैल्यू से जीरो है, आई बी रिटर्न विद जीरो, राइट। नाउ अब ये प्यारे बच्चों मेरा लूप कंप्लीट हो जाता है, रिकर्सिव फंक्शन का मेरा फंक्शनिंग कंप्लीट हो जाती है, क्राइटेरिया हिट कर चुका है, राइट। तो अब ये रिटर्न करेगा जीरो, जीरो विल बी रिटर्न विद द वैल्यू हियर, जीरो प्लस जीरो इज गोइंग टू बी रिटर्न एज जीरो हियर, जीरो प्लस वन इज गोइंग टू बी रिटर्न एज वन हियर, वन प्लस जीरो इज गोइंग टू बी रिटर्न एज वन हियर, and then 1 plus 1 is going to be returned as 1 here, 1, 2, sorry, 2 here, and then 2 plus 1 is going to be returned here as 3, right? आप अगर नोटिस करें तो बार बार एडिशन करते वक्त एक बार वन यहाँ पे आया, एक बार वन यहाँ पे आया, और एक बार वन यहाँ पे आया, बाकी तो सारे जीरो ही, सबके सब समाप्त होते जा रहे हैं, तो वन प्लस वन प्लस वन इज गोइंग टू बी थ्री, राइट। आई होपिंग कि अंडरस्टैंडेबल है, कुछ समझ में नहीं आया तो डू मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन एंड होप दैट हेल्प्स।